प्रभावी संवाद कौशल्य में जब हम बात करते हैं कि मेरा संवाद कौशल्य, मेरा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए, तो कोई भी संवाद में, जहां भी संवाद होता है वहां ये बहुत महत्व का होता है कि कौन सा आदमी वो संवाद कर रहा है, कौन आदमी है कि जो बोल रहा है, तो क्या बोले जा रहा है उसके बदले कौन बोल रहा है, ये बहुत महत्व का होता है। समझो अभी एक दो दोस्त बैठे और मजाक में बोलो या सीरियस जैसा भी कुछ है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोल रहा है कि तेरी मौत जल्दी होने वाली है, या हस्बैंड वाइफ है, वाइफ के ऊपर गुस्सा किया और उसको बोल दिया हस्बैंड ने तेरी मौत होने वाली है, जो भी कुछ है, अब तेरी मौत होने वाली है, ऐसा किसको गुस्से में किसी ने किसको बोल दिया, दोस्त ने बोला, पति ने पत्नी को, पत्नी ने पति को बोल दिया, तो उसको बहुत लाइटली लेते हैं लोग, मतलब बहुत सीरियसली लेते नहीं, बहुत लाइटली लिया जाता है, ठीक है ऐसे गुस्से में बोला होगा, मगर वो एक ज्योतिष ऐसा बोलता है कि तुम्हारी मौत होने वाली है, तो जरा हम सोचने लगते हैं कि ज्योतिषी बोल रहा है क्या है भाई, और इधर धक धक चालू हो जाएगी, फिर वो कुछ बोलेगा ऐसा करो वैसा करो, तुम्हारी मौत टल सकती है, फलाना ढमाका डिकरा, तो वो ज्योतिषी बोल रहा है, अक्षर सेम है, वाक्य सेम है, तुम्हारी मौत होने वाली है, गुस्से में पति ने पत्नी को, पत्नी ने पति को, तुम्हारी मौत होने वाली है, ज्योतिषी बोल रहा है तुम्हारी मौत होने वाली है, और एक डॉक्टर बोल रहा है एक पेशेंट को तुम्हारी मौत होने वाली है, तो डॉक्टर जब बोलता है ना वो ऑथोरिटी है, और जब ऑथोरिटी बोलती है ऑथोरिटी, तो फिर उसको महत्व होता है, वो ऑथोरिटी का महत्व होता है, तो कौन मतलब क्या कहा जा रहा है इसके बदले वो कौन बोल रहा है, ये बहुत महत्व का है, सेंटेंस सेम हो। अब ये नोट है 100 रुपए की, ये कागज है, कागज का टुकड़ा है, मगर इसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने लिखा हुआ है और सही की हुई है, ऑथोरिटी है, और लिखा है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, शशिकांत दास गवर्नर। अब मैं कागज के ऊपर मेरी सही करके दूं तो उसको कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू देगा नहीं, मगर ये कागज के ऊपर, नीले रंग के कागज के ऊपर गवर्नर सही करके देता है तो उसको महत्व है। कौरव पांडव का युद्ध आपको मालूम है, द्रोणाचार्य तो बहुत अग्रेसिव हो रहे थे और मतलब उनको कंट्रोल करना पांडवों के लिए बहुत कठिन हो रहा था, पांडव सेना तो घायल हो गई थी द्रोणाचार्य के सामने, तो भगवान कृष्ण ने बोला कि भाई द्रोणाचार्य को जाके बोल दो कि उनका पुत्र जो अश्वत्थामा वो मर गया, तो उनको जाके बोल दिया अश्वत्थामा मर गया, जैसे उनको बोल दिया तो उनके तो होश उड़ गए, अश्वत्थामा मर गया, मगर उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करता हूं, मैं जाके पूछूंगा युधिष्ठिर को, क्योंकि वो सत्यवचनी है, यदि वो बोलता है कि अश्वत्थामा मर गया तो मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। और फिर कहानी आपको पता ही है कि युधिष्ठिर ने बोला कि अश्वत्थामा गया कि नहीं गया मुझे मालूम नहीं, उसने बोला नरो वा कुंजरो वा, मतलब नर गया, आदमी गया कि घोड़ा, अश्वत्थामा नाम का घोड़ा भी था वो मर गया मुझे मालूम नहीं, मतलब वो आधा झूठ बोला युधिष्ठिर, नरो वा कुंजरो वा। बोलने में बहुत महत्व होता है कि आज दिलीप शराब पी के आया नहीं, देखो कम्युनिकेशन गया, तो आज दिलीप शराब पी के आया नहीं, इसका मतलब आज आया नहीं रोज आता है, अच्छा उसने बोला है आज आया इसका मतलब रोज आता है, नहीं रोज आता है वो कुछ नहीं बोला है, आज आया नहीं ऐसा बोला हुआ है, मगर उसमें से अर्थ ये निकलता है कि रोज आता है आज नहीं आया, तो ऐसे इस तरह का वो ट्विस्ट हो जाता है, और कौन बोल रहा है कैसा बोल रहा है उसको बहुत महत्व है। तो जब कभी हम बोलते हैं तो तोल मोल के बोल बोलना चाहिए, कम्युनिकेशन प्रभावी होने के लिए वो कौन बोल रहा है और आपके जबान को कीमत आने के लिए या होनी चाहिए ऐसा आपको लगता है तो आपने बहुत ही सोच समझकर हर बार बात करनी चाहिए, टॉक इज चीप नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका बोलना जो है ना बहुत सस्ता हो गया है, कुछ भी बोल देते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।